मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर। ओम श्री गणेश देवताय नमः, ओम श्री कुल देवताय नमः, ओम श्री गुरु देवताय नमः, ओम सर्वश्री इष्टलिंग देवताय नमः। शोषनाथ मित्रानो, मैं हूं कड़प्पा। मेरे धर्म कर्म चरण में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन, नक्षत्र, योग, करण और तिथि, इन पांच अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है, क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है और योग हमें जुदाई से बचाता है और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतकरण शुद्ध करना चाहिए, वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए, हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए, आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए। दोस्तों दोस्तों आपको पंचांग कल का सुनाने जा रहा हूँ, इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं। दोस्तों दोस्तों आज तारीख 29 अक्टूबर 2023, शनिवार, शक 1945, संवत्सर शोभन, आयन दक्षिण, ऋतु तो शरद, मास अश्विन, पक्ष कृष्ण। तिथि दोस्तों आज की प्रतिपदा तिथि है, रात 11:53 के बाद द्वितीया तिथि शुरू होगी। वार दोस्तों इतवार है। नक्षत्र दोस्तों भरणी नक्षत्र है। कल सुबह 4:42 के बाद कृतिका नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों सिद्धि योग है। रात 8 बजे के बाद व्यतिपात योग शुरू होगा। करण दोस्तों बहुकरण है। 12:50 के बाद पालव करण शुरू होगा और रात 11:53 के बाद कौलव करण शुरू होगा। दोस्तों दोस्तों प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। दोस्तों सूरज जो है वो तुला राशि में होगा, चांद मेष राशि में, गुरु मेष राशि में और शनिदेव अपने कुंभ राशि में। बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा। दोस्तों आगमन जो है सुबह 6:39 पर होगा और निगमन जो है शाम 6:06 पर होगा। दोस्तों दोस्तों इस पंचांग के आधार पर आज के नित्य देव पूजा का संकल्प हम अभी छोड़ते हैं। इसके लिए अब अपने दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल के पंखुड़े लिए दोस्तों और ये संकल्प बोलना शुरू कर दे। दोस्तों हरिओम शिव शिव शंभो राधे, प्रवर्त मानस अद्य प्रमाणो, द्वितीय परावे श्वेत वराह कल्पे, वैवस्वत मन्वंतरी, कलियुगे प्रथम पादे, जम्बुद्वीपे भरतवर्ष, भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे, महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रवाणी, शालिवान शक 1945, प्रभादे षष्ठी सहस्रवर्णों में, शोभन नाम सौत्सरे, दक्षिणायने, शरद ऋतु, अश्विन मासे, कृष्ण पक्षे, ऐतवार वासरे, भरणी नक्षत्रे, सिद्धि योगे, पालव करने, प्रतिपदा शुभ तिथौ, वीर गोत्र में उत्पन्न मैं कडप्पा, मोह बात दुरितक्षे, द्वारा से पार्वती पति परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा करिष्ये एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये। दोस्तों यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो। दोस्तों दोस्तों इस संकल्प की काल मर्यादा जो है दोपहर 12:50 तक है। इस समय के बाद अगर आपको कोई संकल्प छोड़ना है किसी धार्मिक विधि के लिए तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लें, नया संकल्प बना लें दोस्तों और पूजा अर्चना जो भी है आपका धार्मिक विधि वो संपन्न करें। दोस्तों दोस्तों अब मुहूर्त विभाग में देखेंगे। इसमें सबसे पहले दोस्तों सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है, नवंबर तारीख 1, 6 और 9। गोद भराई के लिए मुहूर्त है दोस्तों नवंबर तारीख 1। नामकरण करने के लिए दोस्तों मुहूर्त है नवंबर तारीख 4 और 9। मुंडन करने के लिए मुहूर्त है दोस्तों नवंबर तारीख 1, 3 और 5। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त है दोस्तों नवंबर तारीख 3, 5 और 10। अब मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे दोस्तों। इसमें जनेऊ संस्कार के लिए दोस्तों कोई मुहूर्त नहीं, माघ मास के बिना। शादी ब्याह के लिए, वास्तु शांति के लिए, भूमि पूजन तथा पायाभरण के लिए,
कार्तिक मास के बिना कोई मुहूर्त अश्विन मास में नहीं है दोस्तों। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करनी है तो आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन भगवान विष्णु और देवी माताओं की आप प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, इनके अवतारों की कर सकते हैं दोस्तों। प्राण प्रतिष्ठा आपको पंडित के माध्यम से करनी है घर पर या मंदिर में, और देव काल में सुबह करनी है दोस्तों। दोस्तों इसके लिए मुहूर्त दिया गया है नवंबर तारीख 3, 5 और 10। दोस्तों जब मूर्ति में प्राण आ जाता है तो उस पर अगले दिन से आपको अभिषेक लेना जरूरी होता है, वो एंड तक आपको लेना है दोस्तों। अगर कहीं भी किसी भी दिन अगर अभिषेक आप नहीं कर पाते तो वो खंडित मूर्ति मानी जाती है दोस्तों। इसके लिए आपको हर दिन आपको उस मूर्ति पर अभिषेक लेना जरूरी है। विष्णु भगवान विष्णु के लिए श्री पुरुष सूक्त का अभिषेक लेना है, और माता देवी के लिए आपको श्री सूक्त का अभिषेक लेना है दोस्तों। अगर नहीं ये आप कर सकते तो आप कोई भी मूर्ति अपने देवघर में ना रखें दोस्तों। दोस्तों पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जो हम अभी देखना चाहेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको सतर्क करना चाहता हूँ कि इस ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्त में समय की पाबंदी हो सकती है। किसी जानकार से जानकारी आप अपने लिए कोई मुख्य और योग्य मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें। अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें या गौण या आपातकाल के मुहूर्त का भी चयन ना करें, तभी आप सही मुहूर्त का आनंद उठा पाओगे दोस्तों। दोस्तों पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है वो हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों ग्रहण करी दिन है, जो कल ग्रहण था, चंद्र ग्रहण था, खंड ग्रास ग्रहण था दोस्तों, उसका दूसरा दिन आज है। वो ग्रहण करी दिन में बहुत ही अशुभ दिन माना जाता है दोस्तों। इस दिन में कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए, वो बिगड़ जाता है या अच्छा परिणाम नहीं देता है। दिन विशेष दोस्तों सामान्य है, कोई विशेष नहीं है। अग्नि धरती पर हाजिर है दोस्तों। अगर आपको नया कोई यज्ञ या कर्मकांड करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो आगे चलकर कहीं बंद न हो जाए ये भी आपको ध्यान में देखना है दोस्तों, वरना आपके पुण्य के बजाय पाप लग सकते हैं दोस्तों। राहु काल दोस्तों शाम 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक है। अगर इस काल में भी आपका कोई काम राहु की वजह से नहीं बनता है तो उसे और कोई समय पूरा करने की कोशिश करो, हो सकता है आपको उसमें यश प्राप्त हो दोस्तों। दोस्तों संकल्प के साथ की गई जो पूजा होती है वो शत प्रतिशत और जल्द फलदायी होती है, क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्मकांडों के कर्ता धर्ता। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपके फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कॉमेंट्स बॉक्स में आप अपना कॉमेंट्स जरूर दे दोस्तों। दोस्तों मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरि ओम, शिव शंभो महादेव।